नमस्कार, स्वागत है आपका सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और सत्यहिंदी.com का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शनिवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की पांच बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, उसके पीछे का सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। शरद पवार के बयानों से उलझिए मत, बन चुकी है बात। उधर ओवैसी का ममता पर पलटवार, कहा बीजेपी कैसे जीती 18 सीटें। उधर गांधी परिवार से एसपीजी हटाने पर कांग्रेस का वॉकआउट संसद में। और शबरीमला मंदिर के मामले में 12 साल की बच्ची को मंदिर जाने से रोका। और उधर जेएनयू छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई खबरों में दिल्ली पुलिस ने छात्रों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में, लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से, और जो है महाराष्ट्र की राजनीति से और कौन बना रहा है महाराष्ट्र की सरकार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के सरकार बनाने को लेकर दिए गए उलझाने वाले बयानों के बावजूद सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तीनों दलों के बीच सरकार के गठन पर सहमति बन गई है और अगले महीने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बन सकती है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सब कुछ अगर तय योजना के हिसाब से होगा तो नई सरकार में दो मुख्य उप मुख्यमंत्री होंगे। इनमें से एक एनसीपी से होगा और दूसरा कांग्रेस से। इस बात पर भी सहमति बन गई है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे। तो आपको ध्यान होगा कि कल जो एनसीपी चीफ थे शरद पवार, वो सोनिया गांधी से मिलकर आए थे और उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो बहुत ही उलझाने वाले उन्होंने बयान दिए। कहा कि कॉमन मिनिमम एजेंडा पर कोई बातचीत नहीं हुई, सरकार के गठन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई, और जैसे वो जितने भी प्रश्न रिपोर्टर्स उनसे कर रहे थे उन प्रश्नों से वो बचते हुए देख रहे थे और गोलमोल जवाब दे रहे थे, और सबको यही लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद पवार पीछे हटना चाह रहे हैं। लेकिन देर रात होते होते सूत्रों के हवालों से जो खबर आई और इंडियन एक्सप्रेस ने उसको अगले दिन सुबह छापा है, और इसके तहत दो तीन मुख्य बातें सामने आई हैं कि जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना का, वो लगभग लगभग तय हो चुका है। शरद पवार कोई भी बयान दे रहे हों, मे बी वो कैमरे के सामने उनकी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है उसके तहत ये बहुत ज़्यादा अभी वो कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन जो तीनों दलों के बीच में आम सहमति बनी है, वो जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है किस तरह से सरकार में तीनों रहेंगे उस पर सहमति बन चुकी है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यतः रूप से 5 साल के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी खबरें सोर्सेज से आ रही हैं। उधर जो मैंने आपको बताया कि दो उप मुख्यमंत्री होंगे, एक एनसीपी का होगा और एक कांग्रेस का। और एक और जो खबर आपको बताना चाहूँगी कि जो स्पीकर की पोस्ट है उस पर कहा गया है कि दोनों पार्टीज मिलकर बैठकर बात करेंगी और तब तय होगा कि स्पीकर किस पार्टी का होगा। लेकिन इन सब बयानबाजियों के बीच में और जो सूत्रों के हवालों से खबरें आ रही हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो कहा यह जा रहा है कि अगले महीने तक शायद ये तीनों दल मिलकर सरकार बना लेंगे, तो जो अनिश्चितता की जो एक स्थिति दिख रही है महाराष्ट्र में वो जाएगी। लेकिन जो पॉलिटिकल बयानबाजी है शिवसेना और बीजेपी के बीच में वो अभी भी नहीं थम रही है। आपको बता दें कि संजय राउत ने सामना जो उनका जो माउथपीस है उसमें उन्होंने बीजेपी की तुलना मोहम्मद गोरी से की है, जो एक इन्वेडर थे 13वीं सदी के, और जिन्होंने जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान को मारा था, और पृथ्वीराज चौहान वो राजा थे जिन्होंने कई बार मोहम्मद गोरी को बचाने की भी कोशिश की थी, तो मोहम्मद गोरी से तुलना की है बीजेपी की। और बाद में उन्होंने ये भी लिखा कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो इस तरीके की जो बयानबाजी वो अपने माउथपीस के जरिए, जो सामना है उसके जरिए, और जो रिपोर्टर्स को भी वो बाइट देते हैं उसमें भी वो इससे बचते नहीं हैं। उनका जो कटाक्ष है वो अभी भी बीजेपी के ऊपर है, क्योंकि बीजेपी आपने देखा था कि आए दिन कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रही थी और ये कह रही थी कि वो और कुछ और MLAs के साथ वो सरकार बनाने की पोजिशन में है। तो वो सारी अटकलों पर अब लगता है कि विराम लग गया है, क्योंकि अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की माने तो ये तीनों दल में अगर सहमति बन गई है तो जल्द महाराष्ट्र में सरकार बन जाएगी। और जो उद्धव ठाकरे का सपना था, जो उन्होंने बाला साहब ठाकरे को एक वचन दिया था कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, तो वो सपना शायद कहीं ना कहीं सच होता दिख रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर किसी की किरकिरी अगर हुई है तो लगता है बीजेपी की हुई है, क्योंकि बीजेपी इसके बावजूद कि वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगा हुआ है, इस तरीके की बयानबाजी भी आ रही है कि वो सरकार बना लेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट पार्टीज़ हैं वो एक साथ आ रही हैं और सरकार जल्द ही बना लेंगी अगर सूत्रों की हम माने तो।
आइए दूसरी खबर की ओर करते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की राजनीति से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अल्पसंख्यक कट्टरता को लेकर दी गई हिदायत पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि अगर दीदी हैदराबाद वालों से इतने ही दुखी हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें बीजेपी कैसे जीत गई। ममता बनर्जी को पता है कि ओवैसी के राज्य में आने से मुस्लिम मतों का बंटवारा होगा और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। यह तय माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर होगी। तो असदुद्दीन ओवैसी और ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनके बीच में ये तूतू मैमे और जो रस्साकशी देखी जा रही है, ये क्यों है? आपको ये पता है कि ममता बनर्जी ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है बीजेपी की वजह से। आम चुनाव में आपने देखा था कि 42 सीटों में से 18 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो एक पॉलिटिकल प्रेशर, एक पॉलिटिकल दबाव इस समय तृणमूल कांग्रेस के ऊपर बहुत है बीजेपी की ओर से। और अगर अब असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके की बयानबाजी अगर करते हैं, और उन्होंने क्यों ऐसा बोला, आप कूच बिहार में ममता बनर्जी का अगर आप बयान देखें तो उन्होंने ये बोला कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि हैदराबाद को बिलोंग करती है और उस हैदराबाद की पार्टी ने बीजेपी से पैसे लिए हैं और एक तरीके की माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, यानी कि अल्पसंख्यक कट्टरता फैला रहे हैं। उन्होंने, ममता बनर्जी ने सीधे सीधे ये बोला कि जैसे हिंदूज में एक्सट्रीमिस्ट देखे जाते हैं, वैसे ही मुस्लिम्स के बीच में भी ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं और उनका निशाना असदुद्दीन ओवैसी पे था। और उसी की पलटवार में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो डर गई हैं, समय वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और इस वजह से इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का जो वोट बैंक है वो कहीं हथियार ना ले, इसलिए वो ऑलरेडी डर रही हैं। और इस तरीके के जो बयान ममता बनर्जी की ओर से आ रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि ऑलरेडी AIMIM एक अपने आप में एक बड़ी फोर्स मुस्लिम्स के बीच में पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अगर AIMIM की आप देखें तो वो लगातार इस कोशिश में है कि वो हैदराबाद से बाहर अपने कहीं ना कहीं फुटप्रिंट्स को बढ़ाने की कोशिश ये पार्टी कर रही है। अब आपने देखा था कि महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए उसमें 2 सीटें वो जीत कर आई है RPI के अलायंस में। फिर उसके बाद पहली जो विक्ट्री थी, जो पहली जीत थी, उन्होंने किशनगंज बिहार में रजिस्टर की और अब ये कहा जा रहा है कि वो झारखंड में भी अपनी सीट्स को बढ़ाएगी और वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से उन्होंने संकेत दिए हैं कि पश्चिम बंगाल जहाँ पे 2021 में चुनाव हुए तो वहाँ पे तो वो करेगी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स का जो वोट बैंक है, हिंदू वोट्स का जो कंसोलिडेशन है, अगर वो बीजेपी करेगी तो मुस्लिम्स का जो वोट कंसोलिडेशन है वो तृणमूल और AIMIM के बीच में बट जाएगा और इसका नुकसान सीधा अगर किसी पार्टी को होगा तो वो तृणमूल कांग्रेस है। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी का जो ये डर, इस तरीके की बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी के जो खिलाफ आई है, वो बड़ी लाजमी है और लॉजिकल है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉलिटिकल प्रेशर में है बीजेपी से और अगर एक और बाहर की पार्टी आकर उनकी पार्टी पर पॉलिटिकल दबाव बनाती है तो जाहिर सी बात है कि उनकी कहीं ना कहीं उनकी जमीन जो है वो थोड़ी सी खिसकती हुई नज़र आ रही है। तो तूतू मैमे बंगाल में भी जिस तरह से महाराष्ट्र में तूतू मैमे चल रही है बीजेपी और शिवसेना के बीच में, उसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ी रोचक राजनीति देखी जा रही है और इस बार मुस्लिम वोट बैंक्स को लेकर कि कौन मुस्लिम्स का करता धरता ज़्यादा है, क्योंकि ओवैसी ने यह भी बात कही है कि ममता बनर्जी मुस्लिम्स को खुश करने की राजनीति करती हैं, मुस्लिम्स को अपीज करने की राजनीति करती हैं, बल्कि मुस्लिम्स का सशक्तिकरण नहीं करती। तो इस तरीके की बयानबाजी आ रही है और जैसा मैंने कहा कि ममता बनर्जी इस समय डर गई हैं, समय फ्रस्ट्रेटेड है, तो इसलिए इस तरीके की बयान वो दे रही हैं। आइए अब अपनी तीसरी खबर की ओर रुख करते हैं। गांधी परिवार से SPG सुरक्षा वापस लेने जाने के विरोध में कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा में हंगामा किया। द्रमुक के सदस्यों ने भी कांग्रेस का साथ दिया और नारेबाजी की। कांग्रेस और द्रमुक के सदस्यों ने बदले की राजनीति बंद करो, SPG के साथ राजनीति बंद करना बंद करो और वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर मनमोहन सिंह और गांधी परिवार के साथ कुछ होता है तो उसकी सरकार की जिम्मेदारी होगी, जिसके बाद कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा आज राज्यसभा में सरोगेसी बिल पर चर्चा हुई। वहीं प्रदूषण पर हुई चर्चा में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि मैं पराली जलाना ठीक नहीं मानता, लेकिन उसे रोकने के लिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना ज़रूरी है। दिल्ली में पोल्यूशन गाड़ियों से होता है, इंडस्ट्री से होता है, ईंट भट्टों से होता है। छोटा किसान जिसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है उसे अगर गुनाहगार बताते हैं तो यह
सही नहीं है। तो इस तरीके की बयानबाजी जो प्रदूषण का मामला है उसे लेकर मनीष तिवारी ने की, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था जिस पर कि कांग्रेस ने वॉकआउट किया था, तो वो है एसपीजी कवर का हटाना गांधी परिवार से। और जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही इमोशनल मुद्दा है गांधी परिवार के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है जिसके परिवार से दो लोगों की हत्या हुई, और जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद ही जो बाकी इनके परिवार के सदस्य थे यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को एसपीजी कवर दिया गया था। और उस कवर को हटाने के बाद इस समय ये एक इमोशनल इशू बन गया है, सिर्फ गांधी परिवार के लिए नहीं बल्कि सारे कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के लिए। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बदले की राजनीति इस समय हो रही है, और इसीलिए उन्होंने संसद में नारे लगाए इसको लेकर और वॉकआउट भी किया। लेकिन संसद कितना सुचारू रूप से चल पाएगा, दूसरा दिन था, कल आपने देखा था कि फारूक अब्दुल्ला के मामले पे भी जो सदन था वो स्थगित कर दिया गया। आज कुछ बिल्स ज़रूर पेश हुए, जैसे सरोगेसी बिल्स की बात हुई थी, और लेकिन अगर इस तरीके का हंगामा चलता रहेगा तो टोटल 20 सिटिंग्स हैं, और कितनी सुनियोजित ढंग से डायलॉग डिलिब्रेशन जो कि एक लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, कहीं ना डायलॉग होगा, ना डेलिब्रेशन होगा, ना डिस्कशन होगा किसी बिल पे, और शायद इसी तरह से बिल पेश कर दिए जाएंगे और इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि विपक्ष अपने तेवर कितने कड़े रखता है, और जाहिर सी बात है कि इस बार विपक्ष में एक और दल जुड़ गया है जो कि शिवसेना है, जो कि अब अपोजिशन की बेंचेस में बैठेगा क्योंकि अब वो एनडीए से बाहर है। तो इस तरीके के भी संकेत है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का जो मूड है वो बहुत कड़ा है, बहुत आकारात्मक रूप में विपक्ष दिखेगा, और सीधी सी बात है कि वो बिल्कुल भी सरकार, केंद्र सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। और सरकार ऐसी स्थिति में कैसे सदन चलाती है वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, और संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं उनके लिए तो है ही बड़ी चुनौती। आइए अब अपनी चौथी खबर की ओर रुख करते हैं। सबरीमला मंदिर में जाने से आज 12 साल की बच्ची को रोक दिया गया। बच्ची अपने पिता के साथ पुदुचेरी से आई थी, लेकिन उसका पंबा बस स्टेशन पर ही रोक दिया गया। पहले दिन भी 10 महिलाओं और दूसरे दिन भी 2 महिलाओं को वापस भेजा जा चुका है। मंदिर खुलने के दिन ही केरल सरकार ने कह दिया था कि वो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, और अगर उनको मंदिर में जाना है तो अदालत का आदेश लेकर आए। तो आज जब ये 12 साल की लड़की जो कि पुदुचेरी से आई थी और उसे रोका गया, आपको बता दें कि पहले जो उसकी क्यू बुकिंग थी उसमें उसकी जो उम्र थी वो 10 साल बताई गई थी, लेकिन जब उसका आधार कार्ड देखा गया तो उसमें उसकी उम्र 12 साल बताई गई थी। और जो वहाँ का जो शबरीमला श्राइन का जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि 10 साल से 50 साल तक की जो औरतें थी जिन्हें मेंस्ट्रुएशन होता था, जिनके पीरियड्स होते थे, उन्हें मंदिर के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन 2018 में वर्डिक्ट आया कि नहीं, आप सब उम्र की महिलाओं को आप जाने दीजिए। उसके बाद रिव्यू पिटीशन आया, रिव्यू पिटीशन को अब 7 जजों की बेंच को सौंप दिया गया है। उसके बाद से जो केरल की जो राज्य सरकार है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आपको यह भी बता दें कि जो सबरीमला के मामले में जो राज्य सरकार का कहना है कि बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, और इसलिए राज्य सरकार ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा कि वो महिलाओं का प्रोटेक्शन करे, महिलाओं के बीच बचाव में पड़े। आपको ध्यान होगा कि जब 2018 का जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उस समय सीपीएम की जो सरकार थी, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट, उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कहा कि नहीं, ये तो जेंडर इक्वालिटी का मामला है, जेंडर जस्टिस का मामला है, इसलिए हम सारी महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने देंगे। एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लेकिन ठीक एक साल बाद जब अब 2019 में ये पूरा मामला 7 जजों की बेंच को सौंप दिया गया है, तो वही सीपीएम सरकार ने आज अपने हाथ खींच लिए हैं और कहा है कि इतने ग्रे एरियाज हैं इसलिए हम किसी भी महिला को प्रोटेक्शन नहीं देंगे। और इसीलिए आज जो देखा गया कि पहले 12 साल की लड़की को आज जाने नहीं दिया गया, उसके पहले 10 महिलाओं को रोक लिया गया। तो अभी भी जो मंदिर प्रशासन है वो कहीं ना कहीं अडिग है, और उसका यही कहना है कि हम जो लॉर्ड जो भगवान अय्यप्पा हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको एक ये बता दें कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण भी है। जब पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सीपीएम बढ़ चढ़ कर लड़ा और कहा कि नहीं, हम सारी महिलाओं को जाने देंगे, और उसका खामियाजा उसे आम चुनाव में भुगतना पड़ा। 20 लोकसभा सीटों में 1 लोकसभा सीट जीतकर सीपीएम आया है। और अब 2016 के बाद जो राज्य सरकार के चुनाव हुए थे, अब 2021 में चुनाव होने हैं, तो इस समय अगर मैं अंग्रेजी का एक फ्रेज बोलूं कि सीपीएम डज नॉट वांट टू बाइट द बुलेट नाउ, इस तरीके का कोई चांस सीपीएम नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो बहुत बीच बचाव का एक माहौल लेके चल रहा है ताकि कम से कम उसे पॉलिटिकल खामियाजा, जो राजनीतिक खामियाजा है, वो ना भुगतना पड़े। तो सबरीमला अपने आप में एक फैसला ही नहीं है जो कि 7 जजों की बेंच को सौंपा गया है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे राजनीतिक कारण भी हैं कि वही लेफ्ट फ्रंट सरकार जो औरतों को पिछले साल जाने दे रही थी, आज ऐसा क्या हो गया कि वो सरकार आज जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं कर रही है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रही है कि क्योंकि ये 7 जजों की बेंच को ये पूरा मामला सौंप दिया गया इसलिए हम नहीं जाने देंगे। तो आप इस पे गौर करिएगा।
आइए अब अपनी आखिरी खबर की ओर रुख करते हैं। जेएनयू आंदोलन के मामले में दिल्ली पुलिस के ने छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। छात्रों के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने के आरोप में किशनगढ़ थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, सोमवार को छात्र धारा 144 लागू होने के बाद भी सड़क पर उतरे थे, जिसके बाद उनकी पुलिस में झड़प हुई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहीं छात्रों ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली पुलिस उनका मनोबल नहीं तोड़ सकती। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके का छात्रों के साथ व्यवहार, जो वो छात्र जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्वक ढंग से वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और क्या कह रहे थे, यही कह रहे थे कि फीस उनकी बहुत ज़्यादा है और वो फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी जेब पर भारी पड़ रही है वो फीस, इसलिए वो सरकार से शांतिपूर्वक ढंग से ये गुजारिश कर रहे थे कि उस फीस को रोल बैक करो, उसको वापस लो। लेकिन सरकार ने इसके बदले में क्या किया, उन छात्रों पर जो बिल्कुल हार्मलेस छात्र, जिन्हें मैं कहूँ जिन्होंने कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उनके खिलाफ लाठियां बरसाईं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स की ये डिमांड है। और एक धारा 144 आपने लगा दी, लोगों को पीटा, और जो वहां पर जो महिला जो स्टूडेंट्स थी उनके खिलाफ भी पुलिस ने बहुत सारा मारपीट की है। तो इस तरीके की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। लेकिन आज ये बड़ा सवाल है कि आज सरकार स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से क्यों पेश आ रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आप लिबरल ओपिनियन में जो मौजूदा सरकार है, जहाँ पे भी जिस भी यूनिवर्सिटी कैंपस में एक फ्री फ्लो ऑफ थॉट होता है, जहाँ पे लोग किसी बिना रुकावट के बोलते हैं, तो आप क्या उन आवाज़ों को आज आप दबाने की कोशिश कर रहे हो? और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जेएनयू हमेशा सुर्खियों में रहा है, कन्हैया कुमार के टाइम से, जब 2016 में आज़ादी के जब नारे वहाँ पे लग रहे थे, तो उसके बाद से जेएनयू को कहा गया कि वो आतंकियों का अड्डा बन गया है, और जेएनयू की छवि को, क्योंकि वो लेफ्ट पॉलिटिक्स का, जो लेफ्ट की जो विचारधारा है उसका एक प्रतिबिंब है जेएनयू, इसलिए क्या मौजूदा सरकार जेएनयू को बिल्कुल खत्म करना चाह रही है? ये एक राजनीतिक कारण है। दूसरा कारण है जो छात्रों की निजी जिंदगी से, उनकी फीस, उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, कि जो जेएनयू की जो फीस है वो बढ़ाई गई है, उसको बढ़ाने के बाद 7,200 रुपये कर दी गई है जो हॉस्टल फी है। हॉस्टल ड्राफ्ट मैनुअल जो बना था उसके हिसाब फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन बढ़ाने के बावजूद मैं आपको आज कुछ आंकड़े बताऊंगी, इससे आपको लगेगा कि आज भी जेएनयू की जो फ़ी है, हॉस्टल फ़ी है, वो देश की सबसे कम फ़ी मानी जाती है। और इसीलिए लोग आज ट्विटर पर भी आपने देखा कि इस तरीके का जो एक हैशटैग चल रहा था कि टैक्स पेयर्स विद जेएनयू, आज इसीलिए क्योंकि ट्विटर पर जितने भी लोग हैं सब ने जेएनयू छात्रों का समर्थन किया है, ना कि सरकार का, और कहा है कि अगर शिक्षा में टैक्स का पैसा अगर जाता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीपीआईएम के भी जितने लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि जेएनयू एक आइलैंड नहीं है, ये एक स्ट्रगल है, और शिक्षा का जो अधिकार है वो एक प्रिविलेज नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ऐसा लेफ्ट के लोगों ने बोला है। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आज शिक्षा है हमारा, तो आज हमें अफोर्डेबल प्राइसेस में यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिल पा रही है? अगर मैं आपको कुछ और हॉस्टल फ़ी बताऊँ, जेएनयू की 7,200 है, वो भी बढ़ाने के बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही फ़ी 40,000 से 50,000 तक है, और जो सेंट स्टीफन्स कॉलेज है, जो बिल्कुल एलीट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का माना जाता है, वहाँ पर हॉस्टल फ़ी 60,000 है। जामिया मिलिया की अगर आप हॉस्टल फ़ी की बात करें तो वो 30,000 रुपये है। BHU 27,000 रुपये, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 14,400 रुपये पर एनम। तो इस तरीके का फ़ी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो आज क्या ये फ़ी, बहुत सारे छात्र हैं, अगर आपने उनको सुना हो और देखा हो ट्विटर पे, उन्होंने लिखा है कि हमारे जो पिताजी हैं उनकी कुल आमदनी 10,000 रुपये की है, और अगर आज हम 8,000 रुपये हॉस्टल फ़ी में जेएनयू में दे देते हैं तो कहाँ से पढ़ाई की जाएगी? और जेएनयू की जो छवि रही है कि एक एक्सेस रहता है, सब वहाँ पे गरीब तबके का इंसान भी वहाँ पर आकर पढ़ाई करता है क्योंकि वो अफोर्डेबल मानी जाती है। तो आज क्या जेएनयू के छात्र कितने गलत हैं अगर आज उनकी एक वाजिब डिमांड है कि इस फी को वापस लिया जाए? आज क्या कारण है कि केंद्र सरकार और वाइस चांसलर जो जेएनयू के हैं वो कोई डायलॉग नहीं करना चाहते, कोई स्टूडेंट्स के साथ बातचीत नहीं करना चाहते? क्या उनकी डिमांड्स इतनी इलॉजिकल हैं कि आज वो बात करने के लिए भी स्टूडेंट से तैयार नहीं है? तो सीधी सी बात है कि एक संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा सरकार है वो एंटी स्टूडेंट्स है, एंटी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, क्योंकि आप अपने मनमाने तरीके से आप फ़ी भी बढ़ा देते हैं, और जिस तरीके से कहा गया है कि शिक्षा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, प्रिविलेज नहीं है, तो
सरकार शायद इस चीज में विश्वास बिल्कुल नहीं कर रही है। और सीधा साधा इसका जो संकेत मिलता है, अगर आप सोशल मीडिया आज उठा के देखें तो जिस तरीके के हैशटैग हैंडल्स हमें दिख रहे हैं, तो लोगों का समर्थन आज सरकार के साथ नहीं बल्कि जेएनयू के छात्रों के साथ है। आप भी इस पर गौर करिएगा और अपने सजेशंस और कमेंट्स मुझे जरूर लिखिएगा। मेरी ओर से पांच बड़ी खबरों में इतना ही। मेरे ट्विटर हैंडल @neelu317 पे जरूर लिखिएगा। इसी बेबाकी के साथ आपको सुनाती रहूंगी सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।